I am Ruksaar Parveen. Welcome to my channel Ruksaar's Art. This is Flyboard and today I am going to do speed oil painting. And you can see this is Flyboard. I have pasted flags on it. I have two yellow colors, lemon yellow and cadmium yellow. But now I am using only cadmium yellow. Again I am using cadmium yellow. फिर से cadmium yellow use कर रही हूँ. फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बैकग्राउंड गीला होने के वजह से
ब्लैक कलर व्हाइट कलर में थोड़ा थोड़ा मिक्स हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा ब्लैक कलर देना पड़ रहा है। अगर आप चाहें तो बैकग्राउंड को ड्राई होने तक का वेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि आपका टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अगर आप कैनवास बोर्ड पे पेंट कर रहे हैं तो वो कुछ जल्दी एब्जॉर्ब करता है, वो जल्दी ही ड्राई हो जाता है। लेकिन ये आपका फ्लैक्स बोर्ड है, इसको ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है। फ्रेंड्स, किसी भी पेंटिंग में अगर आप बना रहे हो और उसमें आपको लाइट कलर और डार्क कलर दोनों ही करना है, तो आप सबसे पहले उसमें लाइट कलर करोगे, क्योंकि होता क्या है अगर कुछ लोग जो नए लोग नहीं जानते हैं तो वो पहले डार्क कर देते हैं फिर लाइट करते हैं, फिर लाइट भी आपका डार्क में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए जब भी करना है आपको पहले लाइट करना है, उसके बाद ही डार्क कलर करना है। डार्क ग्रीन और ब्लैक कलर को मिक्स करके मैंने मिक्स करके रखा हुआ है, और इस तरह से हल्के हल्के ब्रश से आपको शेड की तरह हल्का शेड देना है। यस, थोड़ा हल्का शेड देना है इस तरह से, और ये ग्रास का थोड़ा टेक्सचर आपको दिखाना है। इसमें पतले ब्रश का यूज कर सकते हैं, राउंड पतले ब्रश का, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फ्लैट ब्रश से भी कर लेती हूँ। गाइज, यू कैन सी माई पेंटिंग इज़ कम्प्लीट, और मैंने इसे वॉल पे लगा दिया है। ये मेरे स्कूल का ड्राइंग क्लास रूम है जहाँ मैं क्लास लेती हूँ। स्टूडेंट आर वेरी एक्साइटेड टू सी द पेंटिंग। गाइज, अगर आपको मेरी पेंटिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू पेंटिंग के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।